ये तकरीबन 2:30 बजे रात को ये पेशेंट जोगिंदर नगर से शिफ्ट हुआ है और इसकी कल शाम को हमारे यहाँ से ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसका सैंपल यहीं पे टेस्ट किया गया था तो उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ से एम्बुलेंस भेज के उस मरीज को यहाँ पे शिफ्ट करवाया है और पेशेंट ऐसे स्टेबल हालत में है। तो कल 2:30 बजे रात को जब उसको लाया गया तो उसको सारी प्रिकॉशन ले के उसको आइसोलेशन में जो हमारी ऊपर फैसिलिटी है 6th फ्लोर में वहाँ पे उसको रखा गया है और जो पेशेंट है वो स्वस्थ है और उसके कुछ तंदुरुस्त है भी। यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अभी हमारे पास 7 वेंटिलेटर हैं, बाकी 28 बेड का ICU है और उसके अलावा टोटल 118 बेड की फैसिलिटी है जहाँ पे ये जो हैं मॉडरेटली और सीवियर और जो सीवियर केसेस हैं जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर होगी उनको यहाँ। COVID-19 के लिए कोई स्पेसिफिक कोई अभी तक कोई ड्रग नहीं बनी हुई है। इसके जो इलाज चलता है जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनका ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे तरह तरह के नमोनिया हो जाते हैं, सांस की तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ हो जाए, ARDS में पेशेंट अगर चला जाए तो उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी इंतज़ाम हमारे पास हैं। यहाँ पर ICU में हमारे 12 वेंटिलेटर का प्रावधान रखा है जिसमें 7 हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, 5 जल्दी ही उपलब्ध होने वाले हैं। और बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स, दूसरी ड्रग्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और कुछ नई दवाइयाँ भी अभी आ रही हैं जैसे रोपिनावीर, डोपिनावीर वगैरह, तो ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो पहले 4 पेशेंट हमारे पास चंबा के यहाँ पर दाखिल थे वो उनमें कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं बढ़ी, ना उनको किसी तरह के नमोनिया या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आई, तो उनको कोई ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनको 19 दिन जो हमारे पास यहाँ पर रहे उनको अच्छी खुराक, बैलेंस डाइट वगैरह दी गई और समय के अनुसार उनका जैसे जैसे समय बीतता गया उनका वायरल लोड कम हुआ और वो कोरोना के लिए वो नेगेटिव डिक्लेयर हो गए थे। आप उस समय तक देख सकते हैं कि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अगर कम है, कहीं एक बार वो अगर ट्रीट हो गया तो चांसेस तो कम रहते हैं, परंतु कई बार शरीर में थोड़ी कमजोरी रहती है या इम्यूनिटी कम है, वो कहीं दूसरी जगह से दोबारा इन्फेक्शन कैच कर ले, वैसा कई बार हो सकता है, पर वैसे चांसेस कम होते हैं। हमारे पास 3 पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट वार्ड में एडमिट थे जिनके कल सैंपल ले लिए गए हैं और आज उनका यहाँ पर RT-PCR टेस्ट है वो होने जा रहा है। उनमें से एक पेशेंट की तकलीफ़ शाम को 6 बजे के बाद काफ़ी बढ़ गई थी और 7:45 बजे उसकी डेथ हो गई थी, तो वो उसका भी सैंपल लिया हुआ है, बॉडी अभी शवगृह में रखी हुई है, तो दोपहर तक जैसे उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद बॉडी को रिलीज़ किया जाएगा। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उस तरह से मैकेनिज्म अपनाया जाएगा, अगर नेगेटिव आती है तो साधारण तरीके से उसके अंतिम संस्कार वगैरह करने के निर्देश दिए जाएंगे। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।